मुरादाबाद जिले में भारी बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इलाकों में तो इतना पानी भर गया है कि बाकायदा नाव चलानी पड़ रही है। जिले की भोलेनाथ कॉलोनी में पिछले 3 दिन से लगभग 50 परिवार बारिश के पानी में फंसे हुए हैं। कॉलोनी में 5 से 7 फीट तक पानी है, जिसके चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वो इसी तरह पानी में फंसे हुए हैं। मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड 36 और वार्ड 43 की कॉलोनियों में जल भराव होने के कारण आसपास के दर्जनों मकानों का आवागमन पानी और कीचड़ के कारण बंद हो चुका है। लोगों को खाने पीने की चीजें लाने में भी दिक्कत हो रही है। इलाके के लोगों का आरोप है कि पिछले कई सालों से बारिश के समय उन्हें जल भराव की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर साल बरसात के मौसम में यहाँ जल भराव की समस्या होती है। लोगों का कहना है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से उनके भवनों के नक्शे पास हैं और नगर निगम उनसे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी लेता है, फिर भी असुविधा है। यह समस्या आया, देखो कितना पानी भर रहा है इस रोड पे। ये रोड बिल्कुल नहीं बनता है, सरकारी है ये रेलवे नहीं चाहती बनवाने के लिए बिल्कुल भी। और देखो ये रोड पूरा ऐसी पड़ा है, सन्नाटा सन्नाटा, यहाँ पर सब ऐसी निकलते हैं, आपको पूरा पानी पानी भर रहा है। अभी मेरी गाड़ी रास्ते में रुकी हुई है, देखो यहाँ माल के लिए बिल्कुल भी हमें आने आने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत बेकार रोड है, आगे आगे हमारी गाड़ी पलटने का भी डर रहता है, इस मारे हम यहीं पर ही खड़े हैं। और देखो पूरी गंदी नाली हो, कीड़े कीड़े का पानी आ रहा है बिल्कुल, जाने कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहा है। ये बारिश भी पड़ रही है धूप तड़ाके के साथ, रोड नहीं बन पा रहा है ये बिल्कुल भी। लगभग कितना पानी होगा? लगभग यार भाई साहब घुटनों से ऊपर ही पानी है कम से कम। वो काफ़ी परेशानी सामने करना पड़ता, बहुत परेशानी का सामना पड़ता। कितना टाइम हो गया? हो गया कम से कम ये तो 8-12-13 साल से चलता आ रहा है। इस रोड की कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। आते हैं फिर चले आते हैं, उनका कोई काम नहीं है। बस खाली एक बार वीडियो बनाई, दूसरी बार अब कोई कहा आता कुछ नहीं होता। देखो ये भी आ रहा हमारे मोहल्ले के हैं, ये भी गंदे पानी में से निकल के जा रहे हैं। देखो ये भी, मेरा नाम उमेश प्रकाश है, मैं यहाँ सारे प्रकाश नगर से। जल भराव बहुत है घोटे तक है बिल्कुल, बाइक बहुत परेशानी का सामना पड़ना पड़ रहा है। लोग बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। कितना टाइम हो गया तो? ये तो कई सालों से है, 4-5 साल से दिक्कत आ रही है। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। ये पानी किन किन जगहों पे भरा हुआ है? मैं फिलहाल यहाँ से लेके वहाँ तक ही भरा हुआ है प्रकाश नगर। कौन सी जगह है, कहाँ पर है? ये हड्डी मिल गया, हड्डी मिल है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नाले की दीवार टूट जाने से जल भराव के हालात पैदा हुए हैं। पानी की निकासी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ये कॉलोनी वैध रूप से बसाई गई है। वहीं जिला अधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह ने संबंधित विभागों को जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। यह लो लाइन एरिया है और ये जो कॉलोनी है अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, लेकिन जल भराव को निकालने के लिए ऑलरेडी फॉर्म पाइप की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वहाँ का जल निकासी हो सके और लोगों की तरह की असुविधा न हो। क्योंकि पिछले 3 दिनों में काफ़ी बड़े पैमाने पर बारिश हुई है, लगभग पूरे जुलाई माह का जो औसत आता है उसकी आधी बारिश पिछले 5-6 दिनों में हो गई। लेकिन हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं, हमको हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों में स्थिति